सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्लीन एंड क्लियर के फोमिंग फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। क्या सच में ये 7 दिन के अंदर आपके पिंपल्स के प्रॉब्लम को ठीक करता है? क्या सच में ये आपके रंगत को निखारता है? ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी ये कौन से स्किन टाइप वालों को ये वाला फेस वॉश सूट करता है, इसके क्या फायदे है, क्या साइड इफेक्ट्स है और क्लीन एंड क्लियर की इस फेस वॉश को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि सही तरीका किसी भी चीज को इस्तेमाल करने का आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इस फेस वॉश को आपको कब और कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश की फुल डिटेल्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो भी स्किन केयर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारी ही वीडियोस आप तक पहुँच पाए और वो वीडियोस देखकर उसका फायदा उठाकर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाओ। तो अभी ही फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉर योर स्किन केयर। सो फ्रेंड्स, क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश की बॉटल अगर आप देखोगे तो जिधर ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, जिधर क्लीन एंड क्लियर लिखा हुआ है, उसके नीचे कंपनी ने खुद मेंशन किया है कि ये वाला जो फेस वॉश है ये क्लिनिकली प्रूवन है आपकी स्किन पे से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने के लिए, साथ ही आपके चेहरे पे जितने पिंपल्स और एक्नी है उसको 1 वीक के अंदर यानी कि 7 दिनों के अंदर ठीक करने के लिए। ये वाला जो फेस वॉश है ये ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले, सभी टाइप की स्किन वाले यानी कि ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। इस फेस वॉश की खास बात ये है कि ये आपके चेहरे पे जितना एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। साथ ही आपके चेहरे पे अगर ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, रफ स्किन है तो उसको हटाने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। आपकी स्किन पे दिन भर में जितनी भी पॉल्यूशन की, डस्ट की, इम्प्योरिटीज की लेयर जमा हुई होती है उसको बहुत ही डीपली क्लीन करता है, मतलब कि आपकी त्वचा को बहुत ही अच्छे से साफ करता है। जब आपकी स्किन डीपली क्लीन होती है, आपके चेहरे पे जितना एक्स्ट्रा ऑयल, पसीना, पॉल्यूशन होता है वो ठीक से रिमूव हो जाता है, तो आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे आपके पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो जड़ से ठीक भी हो जाती है। क्योंकि पिंपल्स और एक्नी होने का मेन रीजन यही होता है कि आपकी स्किन ठीक से क्लीन नहीं हो पाती है। आपके स्किन पे जिधर भी पसीना, एक्स्ट्रा ऑयल, डस्ट, इम्प्योरिटीज होती है उधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए अगर आप एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करते हो जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है तो आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम 100% सॉल्व तो होती ही है। तो ये वाला फेस वॉश स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन करता है। साथ ही इसकी खास बात ये है कि ये पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री है, यानी कि इस वाले क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश के अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, बिल्कुल सेफ टू यूज है स्किन पे इस्तेमाल करने के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश आपके चेहरे पे से एक्स्ट्रा ऑयल को तो क्लीन करता है, साफ करता है, लेकिन आपके स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसको वैसे ही बरकरार रखता है, जिसकी वजह से आपके स्किन पे ड्राइनेस नहीं आती है। बहुत सारे फेस वॉश ऐसे होते हैं जिन्हें यूज करने के बाद स्किन बहुत ही रूखी सूखी सी हो जाती है, ड्राई सी हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम इस वाले फेस वॉश के साथ आपको नहीं आएगी। आपके स्किन पे ड्राइनेस नहीं देगा, आपकी स्किन को मुलायम बनाए रखेगा। प्लस आपके चेहरे पे से इम्प्योरिटीज को बहुत ही डीपली क्लीन करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे इंस्टेंटली ब्राइटनेस आ जाती है, इंस्टेंटली व्हाइटनेस आ जाती है, यानी कि आपकी रंगत काफी निखरी हुई सी लगती है। आपके चेहरे पे जितनी भी डलनेस होती है उसको हटा देता है, आपके चेहरे पे निखार भी आता है और चमक भी आती है, यानी कि आपकी स्किन को व्हाइटन भी बनाता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है। क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश काफी टाइम से पॉपुलर है और इसके रिव्यूज और रेटिंग काफी ज्यादा अच्छे हैं,
और लोग बहुत लॉन्ग टाइम से इस फेस वॉश को यूज भी करते हुए आए हैं डेली यूज के लिए, यानी कि रोजाना के यूज के लिए। अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हो तो आप ये वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो, क्योंकि डेली यूज के लिए परफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, इसीलिए बहुत ही माइल्ड है, डेली यूज के लिए परफेक्ट है। तो रोजाना ही आप इससे अपना फेस वॉश कर सकते हो। जिन भी लोगों को पिंपल्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है या फिर जो टीनेजर्स है उन लोगों के लिए क्लीन एंड क्लियर का ये वाला फेस वॉश काफी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि आपके पिंपल्स की अगर प्रॉब्लम है तो ये वाला फेस वॉश आपको बहुत ही अच्छे से सूट करेगा। क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश के टेक्सचर की अगर हम बात करें तो ये जेल फॉर्म में आता है, ट्रांसपेरेंट सा जेल आता है जिसके अंदर स्क्रबिंग बर्ड्स होते हैं। जो आप हाथ में जब इसका फोम बनाओगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई स्क्रबिंग बर्ड्स है, लेकिन जब आप अपने फेस पे इससे मसाज करोगे, इससे अपना चेहरा धोओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन जेंटली एक्सफोलिएट भी हो रही है, जेंटली आपकी स्किन को स्क्रब भी कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे से आपकी त्वचा साफ होती है, स्किन की बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग होती है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश को अपने चेहरे पे इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है, यूज करने का सही और इफेक्टिव तरीका कौन सा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जब भी आप अपना फेस वॉश करने वाले होते हो उससे पहले नॉर्मल सादे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है, अपने चेहरे को गीला कर लेना है, क्योंकि कभी भी जो भी साबुन फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हो उससे पहले अच्छे से सिर्फ पानी से, सादे पानी से आपको अपना चेहरा क्लीन कर लेना चाहिए। आपने अगर पार्लर में फेसियल करवाया होगा उधर भी आपने नोटिस किया होगा कि पार्लर वाले कोई भी फेस वॉश या क्लींजर यूज करने से पहले नॉर्मल पानी से, सादे पानी से आपके चेहरे को साफ कर लेते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे अगर कोई भी डस्ट पॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं उस पे ही आप कोई फेस वॉश या साबुन लगाते हो तो जो फेस वॉश और क्लींजर होता है ये आपके स्किन की ठीक तरीके से, जितने अच्छे से उसे क्लींजिंग करनी चाहिए उतने अच्छे से आपकी स्किन की क्लींजिंग नहीं कर पाता है, आपकी स्किन को साफ नहीं कर पाता है। इसीलिए पहले नॉर्मल सादे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है, उसके बाद क्लीन एंड क्लियर की थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपको अपने हाथों पे लेनी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये आपके स्किन पे स्प्रेड हो जाता है, तो ज्यादा क्वांटिटी लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बहुत ही अच्छे से आपका फेस वॉश हो जाएगा। तो थोड़ी सी क्वांटिटी ले लीजिए, पानी के साथ मिक्स करके अच्छा सा फोम बना लीजिए, अच्छा सा फोम बन जाए उसके बाद हल्के हाथों से 50 से 60 सेकंड के लिए अपने फेस की सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है। इसके बाद नॉर्मल सादे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए, इससे चेहरा धोते ही आपकी स्किन बहुत ही डीपली क्लीन होती है, इंस्टेंट ग्लो भी आएगा और इंस्टेंट ब्राइटनेस भी आएगी। अब अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो 50 ml की जो बॉटल आती है ये आपको अराउंड 90 रुपीज में मिल जाएगी। आप इससे बड़ी वाली बॉटल भी ले सकते हो, छोटी वाली बॉटल भी ले सकते हो। अगर कोई सेल और ऑफर चल रहा हो तो प्राइस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अराउंड 50 ml आपको 90 रुपीज के अंदर मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, प्लस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश आपको आराम से अपने आसपास की कोई भी मेडिकल या जनरल स्टोर पे भी मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, तो आपको खरीदने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, आपको कहीं भी आराम से मिल भी जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये आपके पिंपल्स को 1 वीक के अंदर ठीक कर सकता है। सो फ्रेंड्स, पिंपल्स होने की, एक्नी होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, हार्मोनल इंबैलेंस, या फिर आप ठीक तरीके से खाना पीना नहीं खाते हो, यानी कि मसालेदार और ऑयली चीजें ज्यादा खाते हो, इसकी वजह से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं, या फिर एटमोस्फियर सीजन चेंज की वजह से भी पिंपल्स होते हैं, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं, ठीक तरीके से अपनी नींद पूरी नहीं करते हो, स्ट्रेस लेते हो, या फिर अच्छे से अपनी स्किन की क्लींजिंग नहीं करते हो, जैसे बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स की, एक्ने की प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप
कि दूसरी सारी चीजें, दूसरा सारा रूटीन परफेक्ट है और सिर्फ यही वजह है कि आप ठीक तरीके से अपनी स्किन की क्लीनिंग नहीं करते हो, उसी वजह से अगर आपको पिंपल हो रहे हैं तो फिर आपकी ये पिंपल्स की प्रॉब्लम ये फेस वॉश यूज करने से ठीक हो सकती है। लेकिन दूसरी कोई वजह से अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, ऑयली और मसालेदार चीजें कम खानी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक तरीके से अपनी स्किन की क्लीनिंग करनी चाहिए। अगर इन बातों का भी आप ध्यान रखोगे, साथ में अच्छे से फ्रूट्स वेजेस सलाद खाओगे, जूसेस पियोगे, अगर इन सारी ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान आप ठीक से रखोगे तो आपकी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी ही डिटेल्स क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश के बारे में मिल चुकी होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे जरूर से पूछ सकती हो, मैं आपको जरूर से बताऊंगी। आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। और इसी के साथ अगर आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि सारे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।